विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर है, बजरंग पूनिया को मिल सकता है हरियाणा विधानसभा का टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम तक बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकते हैं 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम। लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज, फरीदाबाद ओल्ड से विपुल गोयल और बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। जींद से महिपाल डांडा, पानीपत से प्रमोद विज को मिल सकता है टिकट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल हरियाणा के 32 प्रत्याशी किए फाइनल। अब तक 66 सीट के उम्मीदवार तय, गुरुवार को आ सकती है कैंडिडेट्स की लिस्ट। हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीट पर प्रत्याशियों का चयन बाकी है। नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने बनाई है कमेटी। हुड्डा सुरजेवाला और कुमारी सैलजा से चर्चा कर देगी खड़गे को रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है आज। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आपको 7 सीट देने को तैयार। 2-3 दिन में तस्वीर हो जाएगी साफ। कैथल से कांग्रेस के नेता सुरजेवाला के लगे पोस्टर चौराहों पर, मेरा काम मेरी पहचान के फ्लेक्स। सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के कैथल से विधानसभा लड़ने की अटकलें थीं। आज जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। रामबन और अनंतनाग में भरेंगे हुंकार। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। 18 सितंबर को होगा पहले चरण का चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नामांकन और चुनाव प्रचार का दौर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे गांधरबल में दाखिल करेंगे नामांकन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने चुनाव को लेकर बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। एमएनएस ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है।